वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी त्रिपलसी पीटी के लिए रिवीजन सीरीज चली है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर और इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विषय के अंतर्गत पिछले वीडियो में स्वदेशी आंदोलन देखा था, इसके बाद गांधी जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे। आज अगला टॉपिक देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन समझौता, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे और प्रमुख नेता देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ 6 अप्रैल 1930 को। महात्मा गांधी जी ने जब नमक कानून को तोड़ा उसके बाद ही औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। 5 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे थे और ये एक ऐतिहासिक यात्रा थी जिसे इतिहास में दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से जो है महात्मा गांधी जी ने और महात्मा गांधी जी के साथ 78 और सदस्य थे जो कि दांडी से चले थे और जब ये साबरमती आश्रम पहुँचे साबरमती नदी के किनारे जाकर इन्होंने नमक बनाया और नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और वहीं से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है शुरुआत मानी जाती है, वहीं से औपचारिक रूप से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी अहमदाबाद से जो कि 240 मील दूर स्थित है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गाँव है वहां के लिए पैदल यात्रा आरंभ की। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। इसके बाद 1929 की घटना आती है। उसके पहले 2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया और यहाँ पर एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसे इतिहास में दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखी और इसे गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। फिर गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे इसको कहा जाता है और इन मांगों को स्वीकार या फिर अस्वीकार करने के लिए गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया। नमक कानून तोड़ने के अपराध में जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके कारण जो नेता थे उग्र हुए, उत्तेजना फैल गई पूरे देश में तथा कलकत्ता, मद्रास और कराची आदि नगरों में उग्र प्रदर्शन किए गए। 4 मई 1930 को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने ऐलान किया कि धराशणा नमक कारखाने में वे अपने साथियों के साथ धावा बोलेंगे और अपना नमक कानून तोड़ने का अभियान जारी रखेंगे। तो ये घटनाएं थी जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थी। इसके आगे देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए नेता सी राजगोपालाचारी और इन्होंने आंदोलन का समर्थन किया था। तृष्णापल्ली से वेदारण्यम तक नमक सत्याग्रहियों की यात्रा का नेतृत्व भी किया और 30 अप्रैल 1930 को ये पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद अगला नाम आता है केलप्पन। केलप्पन ने नायर कांग्रेसी नेता थे और इन्होंने बाइकोम सत्याग्रह प्रारंभ किया था तथा सरकारी नमक कानून के विरोध में कालीकट से पयानूर तक यात्रा भी की। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू और ये गांधी जी के सहयोगी थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रियता से जुड़े रहे। सरकारी जो नमक था कानून की अवज्ञा के आरोप में इनको 17 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इन्होंने एक आधारभूत कृषि कार्यक्रम बनाया तथा संविधान सभा के गठन की मांग भी की। इसके बाद अगला नाम है पी कृष्णा पिल्लई और ये राष्ट्रीय ध्वज को पूरे देश में फहराए जाने की अपील की इन्होंने। 17 अप्रैल 1930 को कालीकट के तट पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की भर्त्सना भी की। बाद में उन्होंने केरल कम्युनिस्ट आंदोलन को संगठित किया। इसके बाद अगला नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान का। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में स्वयं सेवियों का एक संगठन बनाया और जिसे खुदाई खिदमतगार संगठन कहते हैं और इस संगठन को लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगली जो सहयोगी थी वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने धरसाना नामक स्थान में नमक सत्याग्रहियों के जुलूस का नेतृत्व किया और सरकारी नमक कारखाने के सम्मुख तीव्र प्रदर्शन किया। धरसाना में नमक आंदोलनकारियों में गांधी जी के पुत्र मणिलाल तथा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में निकट सहयोगी रहे इमाम साहब का नाम भी उल्लेखनीय है। तो यहाँ पर इन लोगों ने भी सहयोग दिया था। इसके बाद अगला नाम आता है सूर्य सेन का। ये चटकाओं विद्रोह समूह से संबंधित थे। इन्होंने 2 शास्त्रागारों पर छापा मारा और एक अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की। इन्होंने भारतीय रिपब्लिकन सेना के नाम से एक घोषणा पत्र जारी किया और भारतीयों से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने का आह्वान भी किया। सुभाष चंद्र बोस और जे एम सेनगुप्ता
ये बंगाल कांग्रेस में गुट समूह का नेतृत्व करते थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन करने के लिए प्रतिद्वंदी संगठनों की स्थापना की। बोस ने गांधी की आलोचना की, जब गांधी ने मई 1933 में आंदोलन को निलंबित कर दिया था, उन्हें विट्ठल भाई पटेल का समर्थन भी प्राप्त था। इसके बाद अगला जो नाम है बोंगा मांझी और सोमरा मांझी, ये बिहार हजारीबाग क्षेत्र में आंदोलन का प्रसार करने के लिए और लोकप्रिय बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद कालका प्रसाद, कालका प्रसाद रायबलेरी के एक स्थानीय नेता थे और इन्होंने करना अदायगी आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। संती और सुनील चौधरी ने तिप्पेरा के जिलाधिकारी स्टीवन की हत्या कर दी थी और इस घटना का राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान रहा, क्योंकि यह घटना तत्कालीन क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं के प्रवेश की परिचालक रही। सेठ अचल सिंह यह राष्ट्रवादी जमींदार थे और इन्होंने आगरा में ग्राम सेवा संघ का वित्त पोषण किया, यानी कि इन्होंने ग्राम सेवा संघ को वित्त दिया और क्षेत्रीय सांप्रदायिक दंगों को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। यह अहिंसा की नीति के कट्टर समर्थक थे। इसके बाद शेख अब्दुल्ला एक मुस्लिम स्नातक थे और इन्होंने उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष का रास्ता अपना लिया। 31 जुलाई 1931 को शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर जेल पर आक्रमण किया, जहां पुलिस फायरिंग में 21 बंदी मारे गए थे और इनका पीएन बजाज के नेतृत्व वाले जम्मू हिंदू मेहमान विरोधी संगठन में भी गहन संपर्क रहा। इससे ये संबंधित रहे, जम्मू हिंदू मेहमान विरोधी जो संगठन था उससे संबंधित रहे शेख अब्दुल्ला। इसके बाद अगला नाम है मोहम्मद यासीन खान, ये एक पंजाब के मुस्लिम नेता थे और इन्होंने जो महाराजा जय सिंह सवाई थे उनके द्वारा लगान में वृद्धि और बेगार तथा जंगलों में शिकार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के विरुद्ध मियामो एक इस्लाम से प्रभावित अर्ध जनजातीय कृषक समुदाय है, तो उसके विद्रोह को संगठित किया था। इसके बाद अगला नाम है के एम अशरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ने वाले भारत के प्रथम मार्क्सवादी इतिहासकार थे। पंडित मदन मोहन मालवीय 1920 के दशक में गांधीवादी विचारों के मुख्य प्रवर्तक रहे, किंतु गांधी जी के द्वारा हरिजन आंदोलन प्रारंभ करने के कारण ये कांग्रेस से अलग हो गए और इन्होंने पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया। इसके बाद अगला नाम है सत्यमूर्ति भूलाभाई देसाई और एम ए अंसारी तथा बी सी राय, ये सभी एक पुनर्जीवित स्वराज पार्टी के माध्यम से चुनावी राजनीति में वापसी की मांग की इन्होंने। सत्यमूर्ति भूलाभाई देसाई, एम ए अंसारी और बी सी राय। संपूर्णानंद ने भारत के लिए एक विस्तृत समाजवादी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल भी इन्होंने प्रारंभ किया और नरेंद्र देव ने संपूर्णानंद के कांग्रेस समाजवादी दल को सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया। इसके बाद अगला नाम है के एफ नरीमन और यूसुफ मेहर अली, ये कांग्रेस की युवा शाखा का नेतृत्व करते थे और कालांतर में इनका उदय भारत के प्रमुख समाजवादी नेताओं के रूप में हुआ। स्वामी गोविंदानंद ने कराची एवं सिंध में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। एन वी गॉडगिल ने अपने समाजवादी विचारों को प्रसारित करते हुए 1929 में मंदिर प्रवेश आंदोलन को समर्थन प्रदान किया। बाद में इन्होंने गैर ब्राह्मण सत्यशोधक समाज से मैत्रीपूर्ण समझौता भी कर लिया। इसके बाद अगला नाम है बी आर अम्बेडकर ने महाड़ जाति के दलित नेता थे और ये अस्पृश्यता के विरुद्ध जोरदार आवाज़ उठाते थे। इसके बाद इन्होंने समाज से इस कुरीति को समाप्त करने की मांग भी की। 1930 में इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला दूसरा और तीसरा, इन्होंने तीनों में शामिल हुए थे, ये तीनों में भाग लिया था इन्होंने। इसके बाद अगला नाम है गोपा बंधु चौधरी ने उड़ीसा में आंदोलन को लोकप्रिय बनाया और पूरी बालासोर एवं कटक में नमक सत्याग्रहों का नेतृत्व भी किया। इसके बाद अगला नाम है तरुणाराम फुक्कन एवं एनसी बारदोलोई का, ये दोनों प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता थे और असम में आंदोलन के पक्ष में इन्होंने कार्य किया, किंतु उन्होंने आधिकारिक तौर पर बंद सत्याग्रह प्रारंभ करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अगला नाम है जदुनंदन शर्मा बिहार के गया जिले में किसान सभा आंदोलन प्रारंभ करने वाले नेताओं में प्रमुख थे। इसके आगे देखेंगे अगला नाम है दुग्गी राला बालाराम कृष्णैया और ये 1931 में आंध्र के तटीय क्षेत्रों में विशेषकर कृष्णा जिले में लगान विरोधी आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया। इन्होंने तेलुगु भाषा में गांधी गीता नामक पुस्तक भी लिखी जिसने इस क्षेत्र के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एन बी राम नायडू और एन सी रंगा 1931 में वेंकटगिरी राज नेल्लौर में बंद सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने चलाया था। एन के गोपालन एक स्कूल के शिक्षक थे और इनकी गणना केरल के गुरु वायरू में लोकप्रिय कार्यकर्ताओं में की जाती है। कालांतर में केरल के सबसे प्रमुख और लोकप्रिय साम्यवादी कृषक नेता रहे। मन्नू गौंड और चित्तू कोइक ये मध्य प्रांत के बैतूल नामक स्थान में वन सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले नेता थे। मन्नू गौंड और चित्तू कोइक को मौलाना भसाली सिराजगंज में विशाल प्रजा सम्मेलन में आयोजित किया इन्होंने और जमींदारी उन्मूलन और ऋणों में छूट की मांग की।
एम एन रॉय एवं इनके अनुयायियों ने समाजवादी विचारों को लोकप्रिय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया और अवध में कर अदायगी के विरुद्ध में आंदोलन भी प्रारंभ किया। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण नेता थे जो हमने देखे। इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको सारे वीडियो की लिंक मिल जाती है और लेटेस्ट अपडेट मिल जाती है, एग्जाम रिलेटेड और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मिलते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आपके लिए डेली प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। 50 प्रैक्टिस क्विज टॉपिक वाइज लगवाए जा रहे हैं, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को ये बहुत अच्छा बनाएंगे, तो उसको जरूर ज्वाइन करें और जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।